गुरुदेव को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा। हनुमान तो असफल हो गए, अब क्या होगा? प्रिय, सफलता प्राप्ति के लिए अपनाए गए छोटे मार्ग एवं लघु उपाय सदैव अनुचित और अनर्थकारी होते हैं। विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं होता, और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटे मार्ग को चुनते हैं उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, जो कभी कभी हानिकारक तो होता ही है, असफलता का कारण भी बनता है। सौंपे गए कार्य में असफल रहा। असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है वत्स। इस असफलता ने तुम्हें ये तो सिखा दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी भी लघु मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, किंतु मुझे कोई और उपाय सूझ ही नहीं रहा था। जलपात्र से ध्यान हटाकर उल्का पिंडों की गणना करूं तो जल छलक उठता है, और पात्र पर ध्यान देता तो गणना नहीं हो पा रही थी। वत्स, तुम प्रातः से सायंकाल तक अनेकों कार्य करते हो, किंतु उन कार्यों पर मन एकाग्र करते हुए श्वास लेना भूल जाते हो क्या? नहीं गुरुदेव। हनुमान, हमारा मस्तिष्क हृदय गति श्वसन क्रिया पाचन आदि क्रिया देखना सुनना चलना बोलना सीखना ये सब कार्य एक ही समय में एक साथ संपन्न करता है। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है, आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने की। मस्तिष्क के एक भाग को जलपात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। हनुमान, इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे तुम। अब तो जान गए पुत्र कि तुम्हें कैसे अपना कार्य करना है। मैं सब समझ गया गुरुदेव। मन मस्तिष्क और बुद्धि का ऐसा संतुलन बनाना है कि पात्र से ध्यान भी ना हटे और उल्का पिंडों की गणना भी होती रहे। उचित है पुत्र, अब जाओ और पुनः प्रयास करो। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। मेरे साथ मेरी माता
एवं पिताश्री का भी आशीर्वाद है। अब देख वानर नरेश, मैं तेरी देह को कितनी भागों में विभाजित करता हूँ। अब तू नहीं बचेगा मेरे वार से। दुष्ट वानर, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। तुम्हें कोई नहीं निकालेगा वज्रासुर, अब जीवन भर ऐसे ही पड़े रहोगे तुम। सेनापति, बालकों को बंधन मुक्त कराकर सुमेरु ले चलो, हमें शीघ्र वहां पहुंचना है। कदाचित हनुमान की कोई सूचना आई हो। जी महाराज। मुझे अपने कार्य में सफल होकर दिखाना है गुरुदेव को। जय गुरुदेव, मुझे शक्ति दें। एक उल्का, दो, तीन, चार, पांच, छः, पांच लक्ष 554। इससे बचना होगा और उनकी गणना भी करनी है। पांच लक्ष 555। अब तो हनुमान की ये परिक्रमा सफल हो ही जाएगी, बस अन्य कोई नवीन विघ्न ना आ जाए। नारायण नारायण। देवर्षि, आप लंका में पधारे हैं, वो भी प्रसन्न मुद्रा में। आश्चर्य है। लंकेश रावण श्री हरि नारायण की भक्ति। नारायण, छलिया नारायण का नाम नहीं लेंगे आप मेरे सामने। रावण, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुम्हें ज्ञात भी है कि आजकल क्या हो रहा है सूर्यलोक में। स्वयं सूर्यदेव शिक्षा दे रहे हैं हनुमान को।
वो भी किसी विशेष कार्य के लिए। वो ज्ञात है मुझे, परंतु आप हनुमान के किस विशेष कार्य के बारे में बात कर रहे हैं? अब हनुमान की शिक्षा तुम्हारे किसी कार्य के लिए तो हो नहीं रही होगी, और जिस कार्य के लिए हो रही है वो वही है जो तुम्हारे सहार का कारण बनेगा। देवर्षि, आपने मेरे भाई कुंभकर्ण को तो ये सूचना दे दी कि नारायण नर का अवतार ले चुका है, परंतु ये आपने हमें नहीं बताया, क्यों? तुम इतने बड़े सम्राट किस लिए हो? तुम्हें स्वयं अपने शत्रु की हर सूचना रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी श्री हरि की शरण में आ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। यदि ये वाणी किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सौगंध उसका शीश उसके धड़ से अलग मृत्यु के मुख में होता। मृत्यु के मुख में तो सभी को जाना है एक दिन, इस मृत्यु लोक में। मृत्यु ही अटल सत्य है। नारायण नारायण। सूर्यदेव स्वयं हनुमान को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए भी स्वयं ही जाना होगा। हेरो रावण। प्रणाम दैत्य गुरु। कल्याण भवन। रावण, जो कार्य शब्द कर सकते हैं वहां तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। युक्ति से काम लो इस बार। किस युक्ति की बात कर रहे हैं आप? रावण, हनुमान को 7 दिनों में अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। एक बात मैं बता दूं, हनुमान की भांति ही वरुण देव का पुत्र गौ भी सूर्यदेव के पास शिक्षा लेने के लिए गया था, परंतु सूर्यदेव ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। समझ गया दैत्य गुरु कि मुझे क्या करना है। अब किसी भी स्थिति में 7 दिन में हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। पांच लक्ष पांच सौ छप्पन।
मत दीजिए महारानी जी, सूचना आ गई है, महाराज किसी भी क्षण आते ही होंगे। हे ईश्वर, सारे बाले कुशलता से ही हो। मुझे तो भरोसा है महाराज पर, वे बालकों को कुछ नहीं होने देंगे। देखो महाराज केसरी आ गए, बालक भी साथ हैं। महाराज, मेरा पुत्र। स्वामी कुशल तो होना पुत्र। देखिए आपके पराक्रम से सभी परिवार कितने प्रसन्न हो गए हैं। सब माताओं के जैसे प्राण वापस लौट आए थे। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुझे असुरों ने सताया तो नहीं? माँ, मुझे उन असुरों के सताने का भय नहीं था, मुझे आप सबकी चिंता थी। महाराज ने आकर हम सबको बचा लिया। महाराज, आपने मेरे पुत्र को बचा के हम सबको जीने का सहारा दिया है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। भगवान आपको और आपके परिवार को समस्त दुखों और विपदाओं से बचाए। बहन, प्रजा और शरणागत की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। प्रजा राजा की संतान के समान होती है। मैं तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहा था। बस ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मैं इन सब की रक्षा करने में समर्थ रहा। महाराज केसरी यहाँ अपने बालकों को असुरों से बचाकर अपना पराक्रम दिखाए, और वहाँ हनुमान सूर्यदेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अपना पराक्रम दिखा रहा है। प्रणाम। अर्थात सूर्यदेव ने मेरे पुत्र हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ देवी अंशना, अब संसार के सबसे बड़े ज्ञान मंदिर के आचार्य सूर्यदेव उसके गुरु हैं। और हनुमान अपनी शिक्षा का प्रथम अध्याय पूर्ण करने के लिए निकल भी चुका है। इन जलते हुए उल्कापिंडों की गणना करने में बड़ी ही कठिनाई होगी। ये सब तो गोलाकार घूमते हुए आगे आ रहे हैं। ये जलती हुई अग्नि का तीव्र प्रकाश और धुएं के कारण सब एक में ही मिले हुए लग रहे हैं। इससे मेरी गणना में त्रुटि हो सकती है, मुझे कुछ करना होगा।